हरियाणा में जो एजिटेशन चल रहा है उसकी वजह से मुनक नहर से जो पानी आता है दिल्ली के अंदर वो पानी बंद कर दिया गया है, और पिछले 2 दिन से परसों रात से पानी बंद है जो कि दिल्ली को सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की एक बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस क्रिएट हो गई है। एक तरफ हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से और हरियाणा सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो नहर का पानी दोबारा चालू करवाया जाए। कल भी हमने काफ़ी, मैंने खुद पर्सनली राजनाथ सिंह जी से और मुख्यमंत्री हरियाणा से बात की थी, उनसे निवेदन किया था कि आर्मी को भेज के वहाँ पे पानी चालू करवाया जाए। वो अपनी कोशिशें कर रहे होंगे मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अपने को दिल्ली के अंदर इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अगर तुरंत भी वो नहर का पानी चालू हो जाता है तो भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं सारे के सारे, उनको पानी को पहुंचने में और चालू कराने में 24 घंटे कम से कम लग जाएंगे।